लाइसेंस्ड गन से फायरिंग करें। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बतारीख 17 जून बरोजे हफ्ते की रात देर गए जायदाद के तनाजिए के बाद एक शख्स की जानिब से हवाई फायरिंग करने से इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से इसला जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि सूरत हाल अब फिलहाल वहाँ पर काबू में है। इस तनाजिए में कई सारे अफराद जख्मी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। तफसीलात के मुताबिक तनाजिया तकरीबन 250 मुरब्बा गज की जायदाद से मुतालिक है और एक शख्स अरफात ने हाल ही में जायदाद का एक हिस्सा खरीदा था और वो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। एडवोकेट मसूद खान, जो कि जायदाद का एक हिस्सा है, इन्होंने अरफात और इसके साथियों के घर में दाखिल होने की ये दलील देते हुए मुखालिफत की कि अदालत में मुकदमा दर्ज है और जेर बहस है। दोनों अफराद के अहल खाना और दोस्तों में देखते ही देखते झगड़ा हो गया, जिसके दौरान एडवोकेट ने अपनी लाइसेंस याफ्ता बंदूक निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। वाकये से इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मीर चौक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वकील को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस तसादुम में जख्मी होने वाले दो अफराद को करीबी दवाखाना बगर्ज़ इलाज मुंतकिल कर दिया गया। इस वाकये में कारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बहरहाल एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। एक गली में एक पुराना प्रॉपर्टी है, घर, एक घर 13 लोगों का घर है, 13 लोगों का पार्टनरशिप का घर है। उसमें 3 आदमी क्या करे, वो लोगों का हिस्सा बेच दिए। अगर अब तक तीनों का हाथ चेंज हो गया, बाद में ये अरफत बोलने वाला ये घर को खरीद करे, खरीद करके वो घर का अंदर उन्होंने पोजीशन लेने के लिए आया। पोजीशन लेने के लिए आए तो लास्ट सैटरडे गड़बड़ हो गया, सर मैं घर खरीद करे वो पोजीशन लेने के आए तो गड़बड़ कर रहा है, हमारा को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा घर का सामने बैठ रही बोल के पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दिए। मीर चौक में FIR करे वो लोगों के ऊपर, वो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अभी नाइट ए फर्स्ट पार्टी मकसूद अली खान एडवोकेट और मुर्तुजा अली खान तरह हसीमुन्निसा बेगम खुर्शीद और थोड़ा लोग आके वो लोगों का लाइसेंसड गन लेके आके वो लाइसेंसड गन से फायरिंग करे, वो हवा में फायरिंग करे, वो उससे किसको मारने लगे। बाद में वो लोग हाथ में क्या मिले तो वो लेके ईच अदर मार लिए तो वो 2 आदमी की इंजर्ड हुआ। वो लोगों की हॉस्पिटल भेज रहा हूँ, इसमें केसेस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। फायरिंग करने का रीजन क्या था, कोई लैंड ग्रैबर्स आए थे पोजीशन लेने के लिए, क्या था? ऐसा नहीं है, एयर फायर करे वो लोग, शहर पर करे, रीजन क्या है? लेट नाइट क्यों एयर फायर करने का रीजन क्या है? कोई आए थे क्या? रेजिडेंशियल एरिया में एयर फायर करने का रीजन क्या है? क्यों करे बोले तो वो लोग घर में है ना, वो लोगों की डराने के लिए करे बोल के बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करके क्या रीजन है निकालता हम। कितना राउंड बोल के करेक्ट बोल रही की नहीं आ रहे, वो वीडियो देख के मैं भी कितना वो पुलिस आने का पहले वो फायरिंग हो गया, थोड़ा देर के बाद वीडियो मिले हमारा को फायरिंग करे बोल के, एग्जैक्टली इतना राउंड बोल के नहीं मालूम। फायर में कोई भी इंजुर्ड नहीं हुआ सर, अभी भी पोजीशन पे कोई लेडीज अंदर है बोल के? कौन? कोई लेडीज अंदर अभी भी घर में? वो घर वाला आया अंदर, बाहर से लॉक कर लिया। घर साहब नहीं होने से कुछ काम बराबर नहीं हो रहा बोल के भी ऐसा चल रहा है।
वो घर का अंदर 8 दिन से इंस्पेक्टर साहब नहीं है मीरचौक पे। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर आके 3 दिन हो गया। कोर्ट की तरफ से लॉक है सर, प्रॉपर्टी को कोर्ट की तरफ से लॉक है, उसके बाद भी अंदर जाके बैठे हुए। कोर्ट का तरफ से लॉक नहीं है, कोर्ट का तरफ से लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर।